नमस्कार, ओम साई राम। साई समर शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई बाबा की उदी से वृश्चिक का विष उतर गया। नासिक क्षेत्र में नारायण मोतीराम जानी नाम के एक सज्जन श्री साई महाराज के परम भक्त रामचंद्र मोड़क के पास नौकरी करते थे। एक दिन अनायास ही नारायण राव को श्री बाबा के दर्शनार्थ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दर्शन करते समय नारायण राव की माता ने श्री बाबा से अपने पुत्र पर कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना की। श्री बाबा ने नारायण राव को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब इसके उपरांत किसी की सेवा चाकरी न करो, अपना ही कोई स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ करो। उसी क्षण नारायण राव ने अपना नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और नासिक में आनंदाश्रम की स्थापना कर शीघ्र ही अपने व्यापार में पर्याप्त उन्नति की। कुछ दिनों के बाद नारायण राव के इसी आनंदाश्रम में उनका एक चिर परिचित मित्र थोड़े दिन रहने के उद्देश्य से आया। एक दिन एकाएक उसे वृश्चिक ने काट लिया। वृश्चिक के काटने से होने वाली वेदना दूर करने का सामर्थ्य श्री बाबा के उदी में है, यह नारायण राव भली भांति जानते थे। अतएव वे तुरंत ही उदी ढूंढने लगे, परंतु शिरडी से जो उदी वे लाए थे वह समाप्त हो चुकी थी। इधर उनका मित्र असह्य वेदना से तड़प रहा था। आखिर नारायण राव ने श्री बाबा का चित्र के सम्मुख रख वहाँ एक सुगंधित अगरबत्ती जलाई और श्री बाबा के नाम का जप करना आरंभ कर दिया। नियम समय पर जब पूरा होने के पश्चात चित्र के सामने पड़ी हुई अगरबत्ती की राख में से एक चुटकी भर राख उठाकर नारायण राव ने उसे ही श्री बाबा की उदी मानकर मित्र के उसी अंग पर लेप कर दिया जहाँ वृश्चिक ने काटा था। मित्र की वेदना तुरंत बंद हो गई और वृश्चिक का विष उतर गया। नारायण राव का मित्र पूर्वतः स्वस्थ चित्त हो गया। नारायण राव बहुत प्रसन्न हुए और श्री बाबा में उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो सबको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम साईराम।